हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिक्स कर सकते हैं एचपी प्रिंटर एरर कोड है E3 ऑन विंडोज कंप्यूटर। तो बड़े इजी आसान स्टेप्स में हम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिस्टार्ट करना है अपने पीसी या लैपटॉप को, फिर सर्च करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको सर्च करना है ट्रबल शूट सेटिंग्स, जस्ट ओपन कर ले। अदर ट्रबल शूट जस्ट क्लिक कर दे, फिर इधर प्रिंटर रन पे क्लिक कर दे, फिर वेट करें थोड़ी देर, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। फिर क्लोज कर दे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इस पे फिक्स पे क्लिक कर सकते हैं आप, अप्लाई दिस फिक्स। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप उस पे क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं, उसके बाद आपको क्लोज कर दे। फिर सर्च करें सर्विसेज, फिर ओपन कर लें। प्रिंटर स्पूलर जस्ट डबल क्लिक करें, अभी तो नेम भी देख सकते हैं। फिर स्टार्टअप टाइप आप ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट कर लें, फिर ये रनिंग हो रहा है उसको स्टॉप करें, फिर अगेन स्टार्ट करें, फिर अप्लाई करें, फिर ओके कर लें, फिर क्लोज करें, फिर रिस्टार्ट कर अपने पीसी या लैपटॉप को। आफ्टर रिस्टार्ट आपकी सब प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने फिक्स किया एचपी प्रिंटर एरर कोड है E3 विंडोज कंप्यूटर में। तो थैंक्स मेरे को देखने के लिए, प्लीज कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यूजफुल वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।